Hello, welcome you all to BEduCare. So in this particular video, we are going to discuss about collegium system and appointment of judges. So Indian judiciary में judges का appointment और साथ ही साथ transfer कैसे होता है, इस बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि judges को इंडिया में अपॉइंट कौन करता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में ये दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट करेंगे, बट प्रेसिडेंट करेंगे ऑन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑन द अदर साइड हाई कोर्ट के जजेस का कैसे अपॉइंटमेंट होगा, तो इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, पर प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट जहां पे वो हाई कोर्ट है, और उन्हीं के साथ में जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, इनसे कंसल्टेशन करके अपॉइंटमेंट करेंगे। तो यहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही देखे तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। एंड वी ऑल नो कि प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ऑफ आर एग्जीक्यूटिव। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के पास में पावर आ जाती है अपॉइंटमेंट की। सो प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट पे पर्टिकुलर बात करने के साथ ही साथ यहां पर हमें रिमूवल के बारे में भी जानना जरूरी है। हमने तो देख लिया, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है हमारी जुडिशरी में, अपॉइंटमेंट ये एग्जीक्यूटिव से होता है क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो अपॉइंटमेंट जो है जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव करती है। वही अगर रिमूवल की बात करें, जैसे इम्पीचमेंट भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सो ये जुडिशरी में रिमूवल की अगर हम प्रोसेस देखें तो इसका पावर लेजिस्लेचर के पास में होता है। लेजिस्लेचर हमारी लॉ मेकिंग बॉडी मींस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो यहां पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हमने दोनों ही आर्टिकल में देखी, दैट वाज कंसल्टेशन। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करना है मींस जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशियरी से ही कंसल्टेशन करना है। सो व्हाट इट मीन बाय कंसल्टेशन, एड एंड एडवाइस का मतलब तो हमें समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन का मीनिंग क्या है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आगे बढ़ू उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो आपको बताना चाहूंगा। क्लैट 2023 जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, स्मार्ट क्लैट एक्चुअल पेपर सॉल्यूशन वीडियोस। ठीक है, हमारा ये रिकॉर्डेड वीडियो का कोर्स जो है ये पब्लिश हो चुका है। इसमें 2021-22 के क्लैट के एक्चुअल पेपर का वीडियो फॉर्मेट में सॉल्यूशन है। 2020 का जो सैंपल पेपर के साथ साथ एक्चुअल पेपर का भी सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे क्वेश्चन और सॉल्यूशन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्लैट में पैसेज बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लीगल रीजनिंग में जो कि लीगल टॉपिक से आसपास रहते हैं या कोई लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं, तो ऐसे 10 इंपॉर्टेंट लीगल अफेयर्स के आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ लैंडमार्क केसेस पे भी 10 रिकॉर्डेड वीडियो जो कि क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको मिल जाएंगे। इसकी प्राइस है 499, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे अभी है एट 149 रुपीज के रेट पे आपको मिल रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है वहां से डाउनलोड करके इस अगर आप चाहे तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही था अगर हम देखें कि कंसल्टेशन का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज आर्टिकल 124-214 हमने दोनों में देखा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट दोनों में ही ये कॉमन थिंग थी कि कंसल्टेशन। सो व्हाट यू मीन बाय दिस कंसल्टेशन, तो ये सवाल का जवाब जब भी इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो जुडिशरी का रोल आ जाता है, जुडिशरी में मैटर जाता है। तो लैंडमार्क केसेस हुए हैं ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट जिसमें इस कंसल्टेशन वर्ड पे इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसे समझने की कोशिश करी हुई थी इन जजमेंट्स में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी है। सबसे पहला जो केस था दैट वाज एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 1981 का केस है, इसे फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। तो यहां पर कंसल्टेशन को इस तरीके से माना था कि रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस जो होता है ये इसे रिफ्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस कैन बी रिफ्यूज्ड। सो यहां पर जरूरी नहीं है कि जो भी प्रपोजल दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो प्रोसेस ऐसी चलती थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये नेम रेफर करते थे प्रेसिडेंट को,
प्रेसिडेंट मींस ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव यूनियन गवर्नमेंट के पास में जाता था, यूनियन गवर्नमेंट इसे जैसे ही क्लियर करती थी प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देते थे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर कोई रिकमेंडेशन दिया है तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे कंसल्टेशन का मीनिंग ये हो जाता है कि रिकमेंडेशन दिया और ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। तो ये एस पी गुप्ता का केस था, फर्स्ट जजेस केस। उसके बाद में सेकंड जजेस केस हुआ है, शॉर्ट में इसे एस सी ए ओ आर मींस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 का केस है, इसे सेकंड जजेस केस भी कहते हैं। तो यहां पर ये पता चला था इस जजमेंट में, इस केस में ये जजमेंट दिया था कोर्ट ने कि कोलेजियम सिस्टम जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था, और साथ ही साथ ये भी माना था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर जुडिशरी कोई कंसल्टेशन मींस यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रही है प्रेसिडेंट को तो उन्हें वो मानना ही पड़ेगा, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। और साथ में पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन देते थे लेकिन यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। क्या कहता है कोलिजियम सिस्टम? कोलिजियम सिस्टम मींस कोलिजियम एक फोरम है जजेस का जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके ठीक बाद जो दो सीनियर मोस्ट जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, इनका जो तीन जजेस का फोरम था इसे कोलिजियम सिस्टम बोला। उसके बाद में अगर हम बात करें तो स्पेशल रेफरेंस केस भी हुआ है, एक थर्ड जजेस केस बोलते 97 के टाइम पे ये केस हुआ था। यहां पे अगेन इस चीज की बात पूछी गई थी कि एज अ आर्टिकल 142 में जहाँ पे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उनसे सलाह मानी जाती है किसी भी अगर पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेटेड मैटर को, उस वक्त के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई रिकमेंडेशन देते हैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो क्या उसे भी मानना जरूरी होगा या सिर्फ कोलिजियम को ही का जो रिकमेंडेशन है उसे माना जाए। तो यहाँ पे इसे स्पेशल रेफरेंस केस भी बोलते हैं बिकॉज ऐसा कोई एस सच केस नहीं हुआ था जैसा एडवाइजरी मांगा हुआ था, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का एक केस था। तो इसमें कोलेजियम के पास में जो पावर है इसको बनाए रखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे नहीं एम्फसाइज करते हुए ये कहा कि कोलेजियम के पास में पूरी पावर होती है, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में पूरी पावर नहीं होती है। और यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम को वापस से डिफाइन किया है, इस जो थ्री मेंबर का फोरम हुआ करता था इसको बताया गया कि दिस इज फाइव मेंबर का फोरम, अब मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ में फोर सीनियर मोस्ट जजेस, तो इन पांच जजेस ग्रुप को कोलिजियम बोलेंगे। और कोलिजियम में भले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अलग ओपिनियन के ऊपर मेजोरिटी किसी और ओपिनियन का हो तो कोलिजियम में मेजोरिटी ऑब्वियसली प्रिवेल होंगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहीं ना कहीं ओपिनियन या रिकमेंडेशन के ऊपर कोलिजियम के रिकमेंडेशन को माना जाएगा। मींस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा हुआ है आर्टिकल 124 में इसको इंटरप्रेट किया जाएगा एज अ कोलिजियम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 1, 2 एंड 3 फर्स्ट जजेस सेकंड जजेस एंड थर्ड जजेस केस था। अब यहां पर पहले एसपी गुप्ता में एग्जीक्यूटिव की पावर थी अपॉइंटमेंट की बिकॉज वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकते थे, रिफ्यूज कर सकते थे प्रेसिडेंट। लेकिन वही एस सी ओ आर के सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस में ये बहुत क्लियर कर दिया कि जो भी रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोलिजियम देगा उसको मानना, उसको बाइंडिंग, ये इन इटसेल्फ विल बी बाइंडिंग। अब यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम की हम बात करें तो इसको लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट एंड ऑपेक सिस्टम है क्योंकि इसका कोई भी ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, किस तरीके से किसी जज को सिलेक्ट करा इसके बारे में कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आया है, ना ही जजेस इसको पब्लिक करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कभी कभी जब भी जुडिशरी से सवाल पूछा जाता तो उनका बोलना ये होता है कि यहां पर हमारी जुडिशरी के सेपरेशन या इंडिपेंडेंस के लिए हमने ये करा हुआ है और सीनियरिटी लेवल पे हम ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का करते हैं या रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन मेनी टाइम इट वाज फाउंड कि जरूरी नहीं है कि सीनियरिटी के बेसिस पे हो। तो अपने आप में काफी अनट्रांसपेरेंट या हम कहें कि ऑपिक यहाँ पर सिस्टम ये है कोलिजियम का, इसके लिए इसका क्रिटिसिज्म होता है। और अभी के सिनेरियो में जो हमारे लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने भी इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं यही सवाल उठाया था और ये न्यूज में इसलिए बना हुआ। उसके साथ में इट प्रमोट्स नेपोटिज्म। अब होता यह है कि किसी जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पे अपॉइंट कर दिया,
अब वो जब जज बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो उस जज के बेटे या किसी रिलेटिव को फेवर करते हैं। सो एक कोर्ट में अगर हम इसको समझना चाहें तो यू स्क्रैच माई बैग एंड आई विल स्क्रैच योर्स, कि तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी करूंगा। अपने आप में ये प्रोसेस को, कॉलेजियम सिस्टम को इफेक्टिवनेस को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि हमारी जुडिशियरी में अभी भी पेंडेंसी उतनी बनी हुई है। उसके साथ में दिस इज द ओनली जुडिशियरी इन वर्ल्ड जो खुद अपने आप को अपॉइंट करती है, तो इट इज अ सेल्फ अपॉइंटिंग बॉडी। वर्ल्ड में अगर हम डेमोक्रेसीज में बात करें तो इट वॉज ओनली द सेल्फ अपॉइंटमेंट बॉडी जो कि इंडियन जुडिशियरी में देखने को मिलता है। यूएस यूके में बात करें तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस रहता है, लेकिन इंडिया में कौन जज बनेगा ये डिसाइड जुडिशियरी ही करती है, जज ही डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा। अब यहाँ पे जब भी इफेक्टिवनेस की बात करी तो कई बार ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलेजियम के साथ में रिकमेंडेशन दे देते हैं, लेकिन इसे क्लियर नहीं करती है गवर्नमेंट। ऑल्दो इन पे बाइंडिंग है बट वो उसे एक ठंडे बस्ते में डाल के रखती है। तो क्या जुडिशियरी का ये जो कोलेजियम सिस्टम है इसके अगेंस्ट में क्या एग्जीक्यूटिव ने कभी कुछ नहीं करा है? तो आंसर है नो। एनजेक, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, एनजेक एक्ट लेकर आई थी जिसमें कोलेजियम को रिप्लेस करके इस एक नई बॉडी एनजेक को बनाने की बात करी थी फ्रॉम 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एनजेक ऐसे एक ऐसी बॉडी बनाने की बात करी थी, लॉ भी पास हुआ था जिसमें 6 मेंबर रहेंगे और ये 6 मेंबर बताएंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनेगा या उनका ट्रांसफर होगा। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस मेंबर 6 मेंबर्स कमिटी में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनके अलावा 2 मोस्ट सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे तो 3 मेंबर्स हो गए। जो 4th मेंबर होंगे दैट वाज द लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, और उसके बाद में 5th और 6th मेंबर जो होंगे ये होंगे एमिनेंट पर्सन। अब ये एमिनेंट पर्सन जो है इन्हें 3 इयर्स टर्म के लिए कमिटी में अपॉइंट किया जाएगा, और इन्हें चूज करने वाली जो बॉडी रहेंगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अपने आप में एक नई ही बॉडी को कोलेजियम रिप्लेस करके, मतलब जहां जज को अपॉइंट करते उसके बजाय एक नई बॉडी बनाने के लिए लॉ पास कर दिया था, लेकिन ये अपने आप में ज्यादा महीने नहीं टिक पाया। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चैलेंज हुआ, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और इसी को हम 4th जजेस केस भी कहते हैं। सो इन नटशेल हमने देखा कि कैसे जुडिशरी कोलिजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एनजेक आया और एनजेक के पास में इसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो चैलेंज हुआ, और अभी वापस जो अपॉइंटमेंट है ये कोलिजियम बेसिस पे ही हो रहे हैं। अभी रिसेंटली जो न्यूज में बना हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे लॉ मिनिस्टर का बोलना ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसलिए सिस्टम को बदलने की जरूरत है, वही जुडिशरी का कोलिजियम का ये बोलना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाने के बजाय आप जो अपॉइंटमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कब से ठंडे बस्ते में है इनको क्लियर करिए। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेटेड।